नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है HS टेक्नोलॉजी HS टेक चैनल में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नई वीडियो जिसके अंदर हम आपको दिखाएंगे कि हम जो रोजमर्रा में अपने डेटा को USB हार्ड डिस्क में, अपनी पेन ड्राइव में या किसी मेमोरी कार्ड में डेटा को स्टोर करके रख देते हैं, या किसी वजह से वो डेटा करप्ट हो जाता है, डेटा लॉस्ट हो जाता है, फाइल्स डिलीट हो जाती है, तो हम उसे रिकवर करने के लिए इंटरनेट पर जाते हैं कि हाउ टू रिकवर डेटा या हाउ टू रिकवर माय पिक्चर्स, माय वीडियोस, एवरीथिंग। तो ये रिकवर्स करने में हमें बड़ी प्रॉब्लम्स आती है, तो इसके लिए हम क्या करें। तो जो पिक्चर्स है, जो डेटा है, वो डिलीट हो जाता है हमारा। डिलीट होने के बाद हम क्या करें जिससे कि वो डेटा हमारे पास वापसी आ जाए। तो इसके लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, पेड सॉफ्टवेयर्स हैं, और आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट सॉफ्टवेयर जिसमें आपको कोई कॉस्ट पे नहीं करनी और आपका डेटा रिकवर लाइव हम करके दिखाएंगे। तो अभी चलते हैं दोस्तों, देर ना करते हुए, वीडियो को लंबा ना करते हुए। हमारे पास एक पेन ड्राइव है, उसमें मैं डेटा दिखा देता हूँ आपको। हमने वीडियो को छोटा बनाने के लिए एक JPG फाइल रखी हुई है इस पेन ड्राइव में HS टेक के नाम से। आपको फाइल्स खोल के दिखा दें, जो अभी हम थंबनेल देख रहे थे यही वीडियो में इस फाइल में रखा हुआ है। इस फाइल को हम डिलीट करने जा रहे हैं। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने इसको यहाँ से डिलीट किया, और अब आप कहोगे तो रिसाइकल बिन में गई होगी, तो रिसाइकल बिन में नहीं गई, रिसाइकल बिन में एम्प्टी है। मेरे कंप्यूटर से जो डेटा डिलीट होता है वो एवरीथिंग डिलीट हो जाता है। तो अभी आप देख सकते हैं पेन ड्राइव में जो डेटा था वो हमने डिलीट कर दिया। इस तरह से हमारा जो भी डेटा डिलीट या करप्ट हो जाएगा वो खत्म हो जाता है। तो अब पेन ड्राइव हमने लगा रखी है, HS टेक वाली ई ड्राइव है, इसका डेटा रिकवर करके देखते हैं। तो वेरी सिंपल है दोस्तों, हमारे पास एक सॉफ्टवेयर RC सेटअप 153, ये मैं डेस्कटॉप पे रखा हुआ है। इस सॉफ्टवेयर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इस वीडियो को, वहां से जाकर आप इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और फिर इसको चलाकर देख सकते हैं। तो इस सॉफ्टवेयर की मदद से हम आप डेटा को रिकवर करेंगे। क्या करना है, डबल क्लिक करना है सॉफ्टवेयर पे, यस। ये सॉफ्टवेयर आपको रिकवरी के लिए कहेगा, और आपको इसे इंस्टॉल करने के बाद पूरा स्टेप बताएंगे। पहले इसे इंस्टॉल करेंगे और फिर इसका रिकवरी चलाएंगे। तो ये सॉफ्टवेयर है दोस्तों, इसको इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे, ये इंस्टॉल हो जाएगा। छोटा सा सॉफ्टवेयर है, इंस्टॉल होने के बाद इसका व्यू नोट पढ़ना पढ़ लीजिए, वरना रन कर दीजिए। ये डबल चल गया था, इसको कैंसिल कर दें। तो ये वो सॉफ्टवेयर है दोस्तों। तो करना क्या है, आपको डबल क्लिक करना है इस सॉफ्टवेयर पे, यहाँ पे, और ये सॉफ्टवेयर इसका विजार्ड रन हो जाएगा। और विजार्ड से पहले दोस्तों एक और, अब आपके लिए इतने अच्छे टेक्निकल वीडियोस लाते हैं, आप हमारे वीडियोस पे लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए, और हमारा जो चैनल है HS टेक, इस चैनल पे जाएं, हिमसिंह सिरसा लिखकर आप जा सकते हैं, और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, इस रेड आइकॉन को दबा के। जब आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो इसके साथ नोटिफिकेशन आइकॉन आएगा, उस पर क्लिक कीजिए ताकि आपको ऑल नोटिफिकेशन HS टेक के चैनल के मिल सके। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट दीजिए ताकि हम आपके लिए ऐसे बेहतरीन और टेक्निकल वीडियोस लाते रहें। अब हम आगे चलते हैं दोस्तों, तो आगे अपने वीडियोस पे आते हैं दोबारा। हमने ये विचार चलाया था, इसमें आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद ये कहेगा किस तरह का डेटा रिकवर करना है। अगर आपको नहीं पता कि आपके पेन ड्राइव से डिलीट होने वाले डेटा किस फॉर्मेट का था, एवरीथिंग, पिक्चर थी, वीडियो थी, मूवी थी, डॉक्यूमेंट फाइल थी, कैसी कंप्रेस फाइलें थी, या ईमेल का कोई डेटा था, तो आप आल ले सकते हैं। पर जैसा कि हमने अभी डेमो के लिए पिक्चर को डिलीट किया, तो हम केवल पिक्चर लेंगे और नेक्स्ट कर देंगे। इसमें कहते हैं कि फाइल का लोकेशन आपको पता है, तो बिल्कुल यहाँ पे आप नोट शेयर करके अगर नेक्स्ट कर देंगे तो पूरा का पूरा कंप्यूटर स्कैन कर दिया जाएगा सॉफ्टवेयर से। बट हमें तो पता है हमारी फाइल का लोकेशन क्या है, पेन ड्राइव। तो ब्राउज करेंगे और यहाँ से हमारी HS टेक वाली पेन ड्राइव चूज कर लेंगे। हमें केवल इस पेन ड्राइव का डेटा रिकवर करना है, आपको पूरी हार्ड डिस्क का रिकवर करना है तो वो भी आप ले सकते हैं। इसके बाद इसको नेक्स्ट करें। यहाँ पे दो ऑप्शन है, थैंक यू फॉर द नाउ टू रेडी टू सर्च योर फाइल। आप पहले से स्टार्ट कीजिए, अगर आपका फाइल रिकवर हो जाता है नॉर्मल से तो ठीक है, अगर नहीं होता किसी वजह से तो ये वाला चेक लगा के नेक्स्ट टाइम ये विजार्ड सेम चलाना है। नेक्स्ट टाइम आपको इनेबल डीप स्कैन करना है। इनेबल डीप स्कैन में गाइस बहुत ज्यादा डेटा रिकवर के लिए बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, और ये पेन ड्राइव के एक एक सेक्टर को स्कैन करेगा। तो फिलहाल हम
विदाउट उसके करते हैं नहीं आएगा तो वो करके देखते हैं तो स्टार्ट करें। तो ये देखिए दोस्तों, फर्स्ट क्लिक में हमारी जो एचएस टेक वाली जेपीजी फाइल डिलीट की थी हमने, तो आपके सामने इस पर क्लिक कीजिए, रिकवर पे क्लिक कीजिए और ये पूछेगा कि डेटा को लाना कहाँ पे रिकवर करके। तो रिकवर जिस सोर्स से होती है वहां पे कभी डेटा नहीं आता, डेटा नेक्स्ट जगह पे रिकवर होता है। तो दोस्तों इसको डॉक्यूमेंट में ले जाते हैं, तो डॉक्यूमेंट पे ओके किया और ये ऑप्शन आएगा अपग्रेड का, आपको अपग्रेड करने की जरूरत नहीं है, आप इसे बंद कीजिए और आपका डेटा रिकवर हो चुका है। दिखा देते हैं, यहाँ पे गए डॉक्यूमेंट और ये आपकी फाइल्स पड़ी है, इसे आप ओपन करके देख सकते हैं। तो दोस्तों जो पेंडेंस ऑफ फाइल्स हमने डिलीट की थी वो फाइल्स आपके सामने है। तो कैसी लगी वीडियो हमारे चैनल की, इसको आप कमेंट करके बताएं, किस तरह के टेक्निकल वीडियोस चाहिए वो भी कमेंट में बताएं। हम आपके लिए ऐसे बेहतरीन और टेक्निकल वीडियोस लाते रहेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय।